हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबसे एक स्किन क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग और स्किन ब्राइटनिंग फेस पैक शेयर करूंगी, जो कि सर्दियों में आपकी सारी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए एक परफेक्ट रेमेडी होगी। यह आपकी स्किन को डीपली क्लीन करेगा, आपकी स्किन को ग्लोई और रेडिएंट बनाएगा, आपकी स्किन पर से सारा सन टैन रिमूव करेगा और आपकी स्किन को रिजुविनेट करेगा। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस फेस पैक को बनाने के लिए आप एक कटोरी में 5 टेबलस्पून हल्का गुनगुना दूध लीजिए और फिर उसमें 2 से 3 चुटकी केसर की ऐड कर दीजिए। केसर को दूध में अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब केसर को दूध में सोख होने के लिए 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि केसर दूध में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो गया है और कितना अच्छा कलर भी आ गया है। नेक्स्ट आप इसमें 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा, 1/2 टीस्पून शहद मिलाकर सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी मिल जाए हमें पैक के लिए। अब अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लीजिए और फिर इस फेस पैक की एक थिक लेयर अपने चेहरे और गर्दन पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। दूध में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि स्किन लाइटनिंग में हेल्प करता है। केसर भी स्किन टोन को नेचुरली लाइटन करता है, स्किन पर से सारा सन टैन रिमूव करता है और स्किन को बहुत ही ग्लोइंग और रेडिएंट इफेक्ट देता है। चावल का आटा एक एंटी एजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर भी होता है, जो कि स्किन पर से डेड एंड डल स्किन को रिमूव करता है। आटा स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाता है और स्किन को एक नेचुरल ग्लो देता है। स्किन पर से डेड स्किन को रिमूव करके स्किन को ग्लोई बनाता है। हनी स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके इसे एक नेचुरल ग्लो देती है। आप इस पैक को अपने फेस पे ही नहीं, अपनी बॉडी के किसी भी और पार्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे अपनी बैक पर, अपने लेग्स पर, अपने हैंड्स पर। इस पैक को हफ्ते में 3 बार आप ज़रूर अप्लाई कीजिए फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। पैक को अच्छे से अपने चेहरे और गर्दन पर लगाने के बाद इसे 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट बाद जब आपका पैक कम्प्लीटली ड्राई हो जाए तो आप हल्के गुनगुने पानी से अपने चेहरे को ऐसे स्क्रब करके पैक को रिमूव कर दीजिए। आपको इस फेस पैक को एक ही बार यूज़ करने के बाद अपनी स्किन में एक डिफरेंस नज़र आएगा। रेगुलर यूज़ से आपकी स्किन बहुत ही फेयर, ग्लोइंग, रेडिएंट और ब्राइट दिखने लगेगी। आप इस फेस पैक को विंटर्स में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही फ़ायदेमंद वीडियोज़ के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।